जैसे जैसे नगरीय निकाय चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। अगर हम नगर पंचायत पागबड़ा की बात करें तो नगर पंचायत पागबड़ा में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के युवा लीडर एवं पूर्व विधायक जाहिद हुसैन के पुत्र हाजी नासिर हुसैन इस चुनावी माहौल को बेहतरीन तरीके से खूबसूरत बनाने का काम कर रहे हैं। अगर हम हाजी नासिर हुसैन की बात करें तो हाजी नासिर हुसैन लगातार जनता के दिलों पर अपनी छाप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीती रात्रि पागबड़ा के मोहल्ला मुल्लानावाला में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता ने अपने युवा नेता का जोरदार तरीके से खैर मकदम किया और फूलमालाओं से उनका बेहतरीन अंदाज में स्वागत किया। इस चुनावी समर में हाजी नासिर हुसैन के साथ युवाओं की टोली उनकी हौसला अफजाई करती दिखाई दी, तो वहीं युवाओं का जोश भी देखते ही बन रहा था। जो जरा जिस जगह है वहीं आफताब है, साथियों, चीते की चाल और बास की नजर, चीते की चाल और बास की नजर, और हाजी नासिर साहब के करेक्टर पर कभी भी संदेह मत करना। क्यों? क्योंकि चीता अपनी चाल को प्रूफ कर चुका है, बाज अपनी नजर को प्रूफ कर चुका है, और हाजी नासिर भाईजान आपके बीच, जनता के बीच, पिछले 5.5 से 6 साल के बीच जनता के दरमियान रहकर अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं। साथियों, अब वक्त तुम्हारा आ गया है प्रूफ करने का इस अंदाज में कि यहाँ पर कम से कम अप्रोच में मान लेता हूँ कि 300 लोग तो यहाँ मौजूद होंगे, 300 मौजूद होंगे ना। अच्छा, कितने लोग हाजी नासिर साहब को दिल से चाहते हैं? बिल्कुल वोट जो दे रहे हो एक ऐसे आदमी को दे रहे हो जहाँ पे आपका वोट बिल्कुल सही जगह जाएगा, बिल्कुल बेकार नहीं होगा वो, और कहीं गलती से भी वोट की दूसरी तरफ चला गया तो लंगे डंडे लेकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाइयों का काम करा उन्होंने आज तक और वही करेंगे। ये मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है कि लड़ाई झगड़ों वाला काम खत्म करके और शिक्षा की तरफ आ जाओ। जो परिवार खुद जैसा है वो ये चाहता है कि पूरे पागबड़े में हर घर से एक जज और वकील निकलने चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है हाजी नासिर हुसैन साहब की, और इसीलिए हम भी जुड़े हैं और हमारे सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। पागबड़ा के इस चुनावी समर में हाजी नासिर हुसैन की उपस्थिति सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती जा रही है। पागबड़ा के युवा, बूढ़े और बच्चे अपने युवा नेता से जिस तरह से मुखातिब हो रहे हैं, वे पल अपने आप में एक खुशगवार कर देने वाला पल होता जा रहा है। पागबड़ा के चुनावी समर में हाजी नासिर हुसैन बेहतरीन अंदाज में लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। हाजी नासिर हुसैन की अगर हम बात करें तो हाजी नासिर हुसैन सिर्फ मुद्दों की बात करके वे बस इतना चाहते हैं कि पागबड़ा का मुस्तकबिल अच्छा हो, बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके, और ये काम एक पढ़ा लिखा इंसान ही बेहतर कर सकता है। मंच के माध्यम से उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग जनता को लोभ लुभावने वादे कर रहे हैं, कल को वही जनता का हक मारने का भी काम करेंगे। मेरा परिवार हमेशा जनता के साथ खड़ा था और जनता के साथ ही खड़ा रहेगा। हम यहाँ सियासत करने नहीं, हम तो सिर्फ पागबड़ा का मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते हैं। अगर जनता का साथ मिला तो नगर पंचायत पागबड़ा को उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे भारत की ऐसी नगर पंचायत बनाने का काम किया जाएगा जो अपने आप में एक मिसाल साबित होगी। मैं यहाँ पे आया हूँ, आपका आपने बुलाया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, कृति गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये शुक्रिया इसका ये भी याद रहेगा, पहले भी एक बार वो बुलाया था आपने और ये भी याद रहेगा। और मेरा मकसद यहाँ पे नेतागिरी करने का नहीं है, ना ही लड़ाई का है, प्यार से ये अल्लाह तआला भी सीख दिला दे, फिर आप देखना चौधरी कैसे होती है। मेरा मकसद लड़ाई झगड़े का नहीं है, नहीं लड़ाई झगड़े का नहीं है, प्यार से होगा, सबके काम में से होगा। जो भी पावर की समस्या होंगी वो सबसे मिल बांट के बैठ के आप लोगों के सहयोग से वो दूर करूंगा। जैसे शिक्षा की भी ऐसे बताया, जैसे सड़कें बहुत खराब हो रही है, पानी का निकास नहीं है, उसके लिए काम करता और आपका साथ चाहिए मुझे इसके लिए। और ये जो लोग बाकी लोग खड़े हैं, बाकी तो आपने देखा होगा कि भाषण कर देते हैं, ज्यादा डराते जाता कि वहां से कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं करने के, लड़ाई झगड़े की ही बातें कर रहे हैं कि जहां से गिनती शुरू होती है वहां से खत्म होती है। जैसे क्या क्या आपके पता नहीं, ऐसा नहीं होता कि जहां शुरू होगा वहीं कहीं खत्म हो जाती है। के बारे में तो दर्द सोचेंगे, पहले तो हमारे हर घर से हम 40 रुपए लेके जा रहे हैं, उसे कौन भूल जाएगा? जो 180 का अपना खाना था वो सुबह 220 का कर रखा है, वो भी याद होगा सबको। अभी विकास के लिए बात कर रहे हो शहर को।
वहीं पागबड़ा के वरिष्ठ समाज सेवी यामीन पहलवान द्वारा अपने संबोधन में कहा गया, तुम्हें भी म्यूचुअल वोट मिला है, ऐसा नहीं है। अब क्या करते हैं वो लोग जो चुनाव हमारे सामने लड़ रहे हैं, मेरे सामने भी लड़े, वो ये कहते हैं कि मुल्लानों ने धोखा दे दिया, पहलवान मुल्लानों ने धोखा नहीं दिया, मुझे ऊपर बैठा दिया, मेरे नसीब में नहीं थी, मुझे ऊपर बैठा दिया, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे वैसे ही इतनी इज्जत दे रखी है कि वो तुलना कर लो मेरी बात पे, रातों को जाके वो किसी को छुड़ा के लिया, ये 5 जिलों में जाके देख ले, वो नहीं जा सकते घर छोड़ के, रात को घर छोड़ के जाएंगे तो हाजी नासिर और यामी पहलवान जाएंगे, कोई जान नहीं सकता, और कोई आदमी है किसी मजलिस में ये बता दे कि यामी पहलवान ने मना कराया जाने के लिए या साथ नहीं दिया हो, तो भाई साहब नासिर भाई और हम चुनाव लड़ेंगे, जिसे मर्जी करें उसे चुनाव लड़ा दियो, अगर हमने जनता का साथ नहीं दिया हो तो। इन लोगों ने 7वीं बार चुनाव हार चुके हैं और इंशाल्लाह 8वीं बार भी चुनाव हारेंगे, साथ में साथ, डर किसी का नहीं अल्लाह के अलावा, और तुम भी मत डरो, तुम्हारे साथ जनता हो, जनता के तरीके से साथ रहो, हम तुम्हारे लिए तन मन धन हर बार से। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, युवाओं द्वारा अपने नेता की हौसला अफजाई की गई।